आज हम बना रहे हैं होम स्टाइल छोले भटूरे, जो कि खाने में आपको भारी नहीं करेगा। हमने रात में आधा किलो छोले भिगो लिए थे, 3 तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायची और 5 हरी इलायची। थोड़ा हाथ से खोल लीजिएगा। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और यह 1.5 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/4 मीठा सोडा, थोड़ा सा तेल और मिलाते हैं पानी। आधा किलो छोले और 2 लीटर पानी। लगाते हैं ढक्कन। 1 सीटी आने तक हम इसे हाई हीट में पकाएंगे। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और 4 सीटी तक हम इसे पकाएंगे। छोले उबल रहे हैं, इस बीच में हम गूंथ लेते हैं अपना भटूरे का आटा। और उसके लिए मैं ले रहा हूँ आधा किलो मैदा, नमक, और नमक 5 ग्राम के आसपास होगा, सूजी 125 ग्राम। मिक्स कर लेते हैं, बे बना लीजिए, गड्ढा कर लीजिए। अब हम डालेंगे देसी घी, और घी हम ले रहे हैं टोटल 4 चम्मच। चलिए अब डालते हैं दही, और दही भी हम लेंगे 4 चम्मच। अब हम लेंगे सोडा, तो हम सोडा का खाने वाले सोडा, मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हम इनसे गूंथेंगे। गूंथते हैं भटूरे का आटा, धीरे धीरे सोडा डालिए। इस तरीके से देख लीजिएगा डो, और अब हमें इसे रेस्ट देना है। डो को निकाल के डाल दीजिए और एक ढक्कन लगाएंगे, और इसे हम रेस्ट देंगे 40 से 45 मिनट तक, और इसे अंधेरे में रखिए ताकि ये फर्मेंट हो। छोलों को बनाने के लिए हम ले रहे हैं देसी घी 200 ग्राम। घी गर्म हो गया है, मैं ले रहा हूँ जीरा, 1.5 छोटा चम्मच है जीरा, धनिया क्रश किया हुआ है ये भी 1.5 चम्मच, 3 लाल मिर्च तोड़ के। जीरा कड़क गया है, अब मैं डाल रहा हूँ चॉप गार्लिक, और ये हम डालेंगे 2 चम्मच, भूनते हैं, और 4 हरी मिर्च कटी हुई। हम मिलाते हैं 200 ग्राम कटा हुआ प्याज, और अच्छे से हमें भुनना है। प्याज हमारा सुनहरा तल गया है देखिए, और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए, और 1 चम्मच धनिया भी। धनिया हमने पहले भी डाला है, तो थोड़ा थोड़ा डालना है धनिया भी। और हम लेंगे चना मसाला, और ये मैं ले रहा हूँ बड़ा चम्मच, 2.5 चम्मच। चला लेते हैं, डालेंगे थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे कद्दूकस किया हुआ 300 ग्राम टमाटर। आप टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम डालेंगे टैमरिंड पल्प। इमली को भिगो के उसका पानी निकाल लिया हमने, और ये 4 चम्मच हमने डाला। इमली खटास के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और थोड़ा सा कलर निखारेगा भी। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। आइए प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ छोला गला है कि नहीं। आप एक प्लेट लीजिए और इसमें छोले को मारिए, आपको दिख जाएगा कि छोला कितना गला है। सबसे पहले हमें छोले का पानी डालना है, छोले नहीं डालना हमें, अभी काफ़ी होगा, थोड़ा पका लेंगे क्योंकि छोला हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। हमने चने का सारा पानी मसालों के अंदर डाल दिया है लगन में, और अब इसे अच्छे से उबालेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि सारा स्वाद यहीं पे है। छोले के लिए जो तरी है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है, थोड़ा और हम गाढ़ी कर देंगे। थोड़ा सा छोला ले लीजिए, सबसे पहले डालिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और इसे भी मैश कर दीजिए। ये भी एक तरीका है गाढ़ापन लाने का। छोला गला हुआ है, तो लैडल से आप करेंगे तो देखिए छोला गल जाएगा अच्छे से। और अब हम पलट देंगे अपना पूरा छोला। अब आप देख सकते हैं छोले का कलर कितना प्यारा लग रहा है, और स्वाद भी उतना ही बेहतरीन है इसका। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी भी, और कटा हुआ हरा धनिया, इससे भी स्वाद निखर के आता है। अब हम स्लो आंच पे इसे छोड़ देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए, और धनिया कसूरी मेथी से भी स्वाद बहुत अच्छा निकल के आएगा। और लास्ट में हमें चेक करके मिला देना है स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा हमने चने में मिलाया था उबलते समय, और चने मसाले में भी नमक होता है। चलिए चला लेते हैं, और इसे साइड में उबलने देते हैं, और चढ़ाते हैं भटूरे फ्राई करने के लिए तेल। भटूरे का डो जो हमने बनाया था उसे हमने बाहर निकाल लिया है, और आप ये देख सकते हैं। चलिए अब वापस से इसे परात में लेते हैं और गूंथते हैं। अब ऊपर से हम लेंगे थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आपको लेना है, और इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। भटूरे का डो रेडी है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे, और पेड़े काटने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से पेड़े काट सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े काट लेंगे। पेड़ा जो हमने काटा था, हाथ में तेल लगा लीजिएगा, और तेल की सहायता से फैलाते हैं उसे।
आप बेलन से भी कर सकते हैं, हाथ से फैला के भी कर सकते हैं, और हाथ से पीट के भी कर सकते हैं। आपने हाथ पे लिया, आप अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। फ्राई करते हैं भटूरा। पलटते हैं और ऊपर से आप गरम तेल भी डाल सकते हैं। ठीक सो हमारा गर्मा गर्म भटूरा बन के तैयार है। आप स्टीम देखिए, एक परफोरेटेड ट्रे में, ये देखिए। हमें सारे भटूरे हाथ से फैलाने हैं धीरे धीरे करके, और एक एक करके फ्राई कर लेना है। एक मैंने आपको दिखाया था तरीका, अब यह दूसरा तरीका ये है कि आप भटूरा जब आपका एक साइड से पक जाए तो उसे पलट दीजिए। अब पलटने के बाद ऊपर तेल मारिए, भटूरा आपका धीरे धीरे करके फूल जाएगा। तो मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए, ऊपर तेल ज़रूर मालिएगा। चलिए ये हो गया, इसे भी बाहर निकालते हैं। हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं और हमारे भटूरे बनके तैयार हो गए हैं। आइए सर्व करते हैं होम स्टाइल छोले भटूरे की ये रेसिपी।